करीब एक महीना भर की बात है जब एक दूसरे समुदाय की महिला टीचर ने एक दूसरे समुदाय के बच्चे को अपने ही समुदाय के बच्चों से पिटवाया था। अब फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। खबर यूपी के संभल से है। एक पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके बच्चे की पिटाई उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने की, वो भी किसके कहने पर? महिला टीचर के कहने पर। लेकिन मामले की गंभीरता को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पीड़ित बच्चा कौन है, शिक्षक कौन है और पीटने वाले बच्चे कौन है। जिस बच्चे को पीटा गया वो एक अलग समुदाय से ताल्लुक रखता है, और वहीं पिटाई करने वाली टीचर जिनका नाम साइस्ता है और पीटने वाले जो बच्चे हैं वो दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अगर दो समुदाय की बात यहां पर ना होती तो शायद ये खबर बहुत छोटी होती। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हो भी क्यों ना। इस मामले में शिकायत मिलने के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया। 11 साल का बच्चा पिटाई के बाद काफी गुमसुम रहने लगा था। पिता ने पूछा, उसके बाद उसने पूरी बात बताई, जिसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। थाना असमोली क्षेत्र अंतर्गत एक विद्यालय के टीचर द्वारा एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटाई कराए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष के क्रम में टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि को अरेस्ट सूचित की जाएगी। वैसे तो इस तरह का मामला पिछले महीने भी देखने को मिला था। यह मामला यूपी के ही मुजफ्फरनगर से था, जब एक समुदाय की टीचर ने अपने ही समुदाय के बच्चों से दूसरे समुदाय के बच्चों को पिटवाया। इस मामले में शिक्षिका का नाम तृप्तिया त्यागी था। वीडियो में टीचर एक विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करती भी हुई नजर आई थी। वीडियो जितनी फुर्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुई उतनी ही इस मामले में पुलिस ने सुस्ती दिखाई। देखिए, सुस्ती शब्द भी शायद पुलिस की कार्यवाही में सही नहीं है, न्याय नहीं करता ये शब्द। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरोपी टीचर इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि टीचर के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 के तहत, जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाना, और 504 जिसमें शांति भंग करने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने स्कूल को सील भी कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति की बात सामने आई। कुल मिलाकर तृप्ति त्यागी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये दोनों मामले बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसमें टीचर के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल ही अलग है।